गाइस सैरी और दोस्तों आज वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी आईब्रोज को कैसे शेप दे सकते हैं और उसको कैसे स्टाइल कर सकते हैं। तो आईब्रो से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है वो आज की इस वीडियो में खत्म हो जाएगी। और अगर आप अपनी आईब्रोज को अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं और काफ़ी अच्छा दिखाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन टैप करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरी कोई वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने मुझे मतलब इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, स्क्रीन का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर आपको डिस्प्ले पर शो भी हो रही होगी। आप मुझको फॉलो करके वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब जरूर दूंगा। तो बस बिना किसी तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप अपने आईब्रो को कैसे शेप दे सकते हैं। तो शेप देना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अपने आईब्रो के लिए। और कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो हेयर हैं आईब्रो के पास वो बीच में भी आ जाते हैं और जो देखने में काफ़ी वियर्ड से लगते हैं और काफ़ी ख़राब दिखते हैं, और जो ख़राब तो दिखते ही हैं और वो आपको भी ख़राब दिखाते हैं। तो इसको सही करना आपको ज़रूरी है, अगर आप इसको सही नहीं करते तो आप काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखेंगे। तो कई बार क्या होता है कि आईब्रो के नीचे भी बाल आ जाते हैं, जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं वो भी आ जाते हैं और ऊपर भी आ जाते हैं, या फिर जो बीच में भी आपके जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं वो आ जाते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको एक टूल लेना होगा ये, और इसकी मदद से आप अपने हेयर को प्लग करेंगे जो भी एक्स्ट्रा हेयर होते हैं आपके आईब्रो के पास। तो आपको ये कोई भी दुकान पे मिल जाएगा, मार्केट में आप जाते हैं अगर तो जहाँ पार्लर की दुकान होती है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, आपको ये चीज़ परचेज करनी है और इससे आपको अपने एक्स्ट्रा हेयर रिमूव करने हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है कि ये वाला टूल बाय करना है, और फिर रिमूव करने से पहले और इस टूल को यूज़ करने से पहले आपको क्या करना है कि हल्का वार्म वाटर आपको लेना है और फिर वो आपको अपने एक्स्ट्रा हेयर पर लगाना है या फिर अपने आईब्रो पर आप लगा सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको ये प्लग करना है इससे। या फिर अगर आप वार्म वाटर नहीं लगाते हैं तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है, तो आपको पहले वार्म वाटर लगाना है और फिर आपको ये प्लग करना है। और प्लग करना है तो ऐसे नहीं कि आपको कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में प्लग कर दें, आपको हमेशा उस डायरेक्शन में प्लग करना है जहाँ पर आपकी हेयर की डायरेक्शन है, तो हमेशा आपको उस साइड में प्लग करना है, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होगा। तो ऐसे आपको अपने एक्स्ट्रा हेयर रिमूव करने हैं, और अगर आपकी आईब्रो के ऊपर या नीचे है तो वहाँ से भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और काफ़ी सावधान रहना है क्योंकि अगर ये आपकी आँख में भी लग गया तो आपकी आँख में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और या फिर अगर आप वार्म वाटर नहीं लगाते हैं तो वो आपको पेन होगा। तो आपको ध्यान से एक्स्ट्रा हेयर अपने रिमूव करने हैं। तो सेकंड टिप जो हमारे पास आती है वो है कि अपने आईब्रो को स्टाइल कैसे कर सकते हैं। तो आपको अपने आईब्रो को स्टाइल करना भी काफ़ी ज़रूरी है। और तो आज के टाइम में अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी मॉडल को या फिर एक्टर को, तो आपने देखा होगा कि कई सारे जो एक्टर या मॉडल होते हैं उनके यहाँ पर जो आईब्रोज होती है उनके यहाँ पर कट लगा होता है, और वो कट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको अपने आईब्रोज को एट्रैक्टिव दिखाना होता है और काफ़ी कूल दिखाना होता है। तो अगर आप अभी तक ऐसे कट नहीं मारते हैं तो आपको मारना चाहिए, और ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और इससे आप भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो कट हमेशा मैं भी लगाता हूँ, लेकिन अभी वो कट आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मुझको वीडियो बनानी थी और इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको कट नहीं दिया है, और अभी यहाँ पर जो हेयर्स हैं वो यहाँ पर रीग्रोथ हो चुके हैं। तो अब हम इसको दोबारा से कट देंगे, और इसको कट देने के लिए आपको ज़रूरत होगी इस कटर की, और ये कटर है फिलिप्स का, और जो भी कटर आपके पास है उससे आप अपने आईब्रो को स्टाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप कोई भी सैलून में जा सकते हैं और सैलून वाले से आप बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पर कट लगाना है और वो अच्छी तरह से आपको कट लगा देगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पर कोई भी सैलून नहीं जाने वाला हूँ, मैं इस कटर का यूज़ करने वाला हूँ और इसकी मदद से हम अपनी आईब्रो को स्टाइल करेंगे और यहाँ पर कट लगाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, तो बस आपको इस कटर को चालू करना है और फिर आपको जहाँ पर भी कट लगाना है तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको कभी कट सीधा नहीं लगाना है, आपको हमेशा टेढ़ा करके कट लगाना है, और इससे जो आपका कट है वो लग जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर अपने कट लगाऊंगा। तो ऐसे आपको कट लगाना है, और अब आप देख सकते हैं जो आईब्रोज है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है और देखने में काफी अच्छी लग रही है। तो ऐसे आपको कट लगाना है अपने आईब्रो पर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इस वीडियो की मदद से समझ में आया कि आपको कैसे अपने आईब्रो को ठीक करना है और कैसे स्टाइल करना है और कैसे उसको शेप देनी है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कुछ ऐसी वीडियोस के लिए, और साथ में बेल के आइकन टैप करें जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अगर आपने मुझको मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर आपको डिस्प्ले पर शो भी हो रही होगी। आप उसको फॉलो करके वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपकी जवाब जरूर दूंगा। तो बस मिलेंगे ऐसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।